मोहम्मद हसरुद्दीन है, ग्राम राजपुर है, राजपुर मस्जिद का हम सिक्योरिटी हैं। हमारा यही संदेश है कि आज हम लोग सवरात का पर्व मना रहे हैं, बहुत खुशी से पर्व मना रहे हैं, लेकिन दुख इस चीज़ से है कि इस देश में, जिस देश में हम लोग रह रहे हैं, उस देश में महामारी जो है कोरोना से बहुत ज़्यादा लोग पीड़ित है। और सरकार को हम धन्यवाद हम लोग देना चाहते हैं, अल्पसंख्यक के जितना समुदाय के लोग हैं, सभी लोग अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि यह जो है मुहिम जो छिड़ा हुआ है कोरोना के विरोध में, हम सबसे दुआ कर रहे हैं कि ये जो है इसमें हम लोग अपना जंग जीत जाए, कोरोना हार जाए। और देश का जो प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो यानी लॉकअप का जो यानी उठाए हुए हैं, उनका बहुत बड़ा एक कदम है जिससे आज कोरोना जो बहुत कंट्रोल में है। हम पूरे देशवासियों से भी आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप लोग भी अपना सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखते हुए, भाईचारा का संबंध रखते हुए, और मीडिया वाला जितना फेसबुक पर जो गलत रूप से जो किसी प्रकार की अपना व्यंगबाजी कर रहे हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं, विनती करता हूं कि आप लोग सोशल मीडिया पर जो है इस तरह की व्यंगबाजी जो हो रहा है वो व्यंगबाजी नहीं हो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की एकता बनाते हुए इस जंग में हम लोग लड़ें और कामयाबी हासिल करें। अल्लाह से हम लोग सभी कोई मिलकर यही दुआ करते हैं। आज के इस पर्व में हम सभी लोग यही दुआ किए हैं कि अल्लाह पाक जो है इस मुहिम में हम लोग को सफलता दे, सब कोई खुशी से जिए और सबको ज़िंदगी जीने का सबका खुश अति मिले, अवसर मिले। हम यही सबसे दुआ करते हैं और अपेक्षा रखते हैं। मैं जियाउल मुस्तफ़ा, पिता स्वर्गीय अब्दुल गफूर अंसारी, कर्मचारी ग्राम पंचायत राजपुर, वार्ड नंबर 11, प्रखंड कल्याणपुर, जिला पूर्वी चंपारण का निवासी हूँ। और आज सवेबरात के मौके पर हम लोग बड़ी शांतिपूर्वक अपना सवेबरात का मौका से कुरान की तलावत और अल्लाह से हम लोग दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इस पूरे विश्व का, पूरे संसार का, दुनिया का जो ये बीमारी अल्लाह फैला दिया है, ये अल्लाह ही की तरफ से, अल्लाह ने दिया है तो अल्लाह ही इसको ख़त्म करेगा। और दुआ कर रहे हैं कि शांतिपूर्वक हमारे देश विदेश पूरे संसार में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह इस कोरोना की बीमारी को मगफिरत कर दे और इसको पूरे दुनिया से दफा कर दे, ताकि हमारे हिंदुस्तान में और अदर कंट्री में, पूरे विश्व में शांतिपूर्वक बना रहे और इससे हमें मुक्ति मिले और हम लोग अमन शांति के साथ रहें। जिस तरीके से हम लोग परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है कि बहुत डर भयभीत हम लोग हो चुके हैं, ताकि एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं, ये लॉकडाउन में हम लोग कहीं जा नहीं रहे हैं, घर से निकल नहीं रहे हैं। जो आज सवेबरात के मौके पर हम लोग मस्जिद तक भी नहीं जा रहे हैं, इसलिए कि डर है कि जो डिस्टेंस जो बना के 1 मीटर की दूरी पर बना करके रह रहे हैं, ताकि हमारी कोरोना की बीमारी, ये अल्लाह तबारक तआला दुआ है कि जल्द से जल्द, जितना जल्द से हो, इस कोरोना की बीमारी को ख़त्म कर दिया जाए, ताकि हमारा देश और विदेश अमन शांति के साथ रहे। मैं यही कह करके अपनी वाणी को